stopped calling her Divyanka or Div. I just address her as Bhagwan or Mrs. Diya. नहीं किया था लेकिन हाँ कलर कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट सेम अपने आप मैच हो गया, इसे कहते हैं मोहब्बत। अच्छा दिव्यांका, ये सिंदूर वाली फीलिंग को लेकर कुछ कहना चाहोगे? सो वी आर कॉन्टेम्प्लेटिंग कि मैं सिंदूर लगाऊँ नहीं लगाऊँ, वेस्टर्न ड्रेस के साथ जाएगा या नहीं, बट देन इन्होंने तो मना कर दिया था कि नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, बट मैंने फाइनली लगा लिया चुपके से। सो ये पार्टी हमने दो रीजंस के लिए रखी है, एक हम इंजॉय कर पाए और दूसरा जो लोग भोपाल नहीं आ पाए लेकिन हमारे बहुत करीबी हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं, वो सब लोग यहाँ पर आए और हमारे साथ पार्टी करें। आपने कुछ नाम चेंज किया शादी के बाद? नहीं, अभी तक हम लोग ने जीरो डाउन नहीं किया कि एग्जैक्टली क्या होगा नाम, सो मे बी इन अ फ्यू डेज वी विल रिवील इट। ये बताइए, शादी तो रही है मगर बड़ा भागम भाग वाला माहौल रहा है, उसके बारे में शूट की तरह हुई है हमारी शादी? बिल्कुल शूट की तरह रही है शादी, मतलब फेरे भी ऐसे हुए, जल्दी करो फ्लाइट छूट जाएगी, ऑलमोस्ट ऐसा था कि टेलीकास्ट प्रॉब्लम है, जल्दी निकालो सीन, जल्दी निकालो, पंडित जी अरे पलारी को बुलाओ, ढिकारी को बुलाओ, ये कहाँ है वो कहाँ है, पंडित जी बिना फंबल किए फटाफट डायलॉग्स बोल दो। हाँ, तो पंडित जी बहुत जल्दी जल्दी डायलॉग्स बोल रहे थे, फटाफट करा रहे थे, मतलब रस्में सारी पूरी हुई हैं लेकिन जल्दी वाला होता ना वो वाला हुआ है सब कुछ। इवन मेरी जो विदाई है वो भी बहुत इनकी विदाई हुई है एयरपोर्ट से, भोपाल के एयरपोर्ट से, और वो एक ट्रेडिशन होता है जिसमें आप क्या होते हैं वो छुआरे होते हैं, क्या होता है वो, बताशे वगैरह थे, कील बताशे थे, वो पीछे ऐसे फेंकते हैं, वो ऐसे फेंकना होता है। तो मैं चाहती थी मेरे घर से हो, पर मैं घर तक पहुंच ही नहीं पाई, इतना फ्लड था हमारे घर पे। सो मम्मा पापा ने सबने रोक दिया कि नहीं नहीं घर मत आओ, एयरपोर्ट ही पहुंचो, एंड एयरपोर्ट पे फिर हम मेरी बधाई हुई है। एक सवाल ये बनता है कि कहते हैं ना कि बारिश तभी होती है जब कोई दोनों में से कोई दूल्हा दुल्हन में से कोई एक खाना खाता है, उसमें कढ़ाई में तो किसी ने खाया बहुत बारिश इन्होंने खाया होगा। नहीं, सिर्फ खाना नहीं खाते, उसको बर्तन को क्या बोलते हैं, चाटना, चटाई की होती है वो, यही है। मैं तो ऐसे काम करता हूं, मैं तो बहुत अच्छी पत्नी, मैं बिल्कुल ऐसे किसी को नहीं बताऊंगी। नहीं अभी पत्नी नहीं पहले की बात है। ओके, जैसे वो होता है ससुराल में जाके पानी जब वहां का पीते हैं मोटे हो जाते हैं, ऐसे कुछ कहावत होती है शादी के बाद मोटे हो जाते हैं, तो तुम्हें कहीं हो के ऐसे कुछ ये कौन सा पानी होता है? हां एग्जैक्टली, ससुराल का पानी होता है जिससे मोटे हो जाते हैं। कोई नहीं, वो वर्कआउट करना बंद कर दी थी इसीलिए मोटी होती है, और मुझे हस्बैंड इतने सही मिले हैं कि वो मुझे खुद भी वर्कआउट करेंगे, मुझे भी वर्कआउट करवाएंगे, सो आई एम नसीब से।